हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नव भारती स्टडी सर्किल। आज की क्लास से हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मॉडल्स। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल्स के बारे में पढ़ना, बट इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि वर्ब्स की कितनी क्लास होती है और उनमें भी जैसे ऑर्डिनरी रेगुलर वर्ब्स है एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू क्लासेस ऑफ वर्ब्स। यहाँ पर वर्ब्स की दो क्लासेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है ऑर्डिनरी रेगुलर वर्ब्स और सेकेंड है ऑक्सिलरी वर्ब्स। देन ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी दो काइंड्स हैं। कौन कौन से? प्राइमरी ऑक्सिलरी है जिसमें बी, डू, हैव आता है, एंड सेकेंड है मॉडल ऑक्सिलरी जिसके अंदर हम बात करते हैं मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, एटसेट्रा। तो अब हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी क्या है। तो अ वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड, मोड और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी में हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? बेसिकली मूड और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, फर्स्ट है हमारा एग्जांपल, यू शुड रेगुलरली गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ पर ये जो शुड है वो मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बात करता है। दे मस्ट अटेंड टुमारोज मीटिंग। मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़। तो ये सारी के सारी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। यू कैन पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। तो यहाँ पर कैन है। फिफ्थ एग्जांपल हम लेते हैं, यू मे टेक दीज बुक्स होम। तो यहाँ पर मे आया है। सिक्स्थ एग्जांपल की हम बात करें, कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। तो यहाँ पर कुड आया है। तो ये सारी की सारी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स जो हम देखते हैं अपनी बुक्स में, पेपर्स में या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जो भी मॉडल्स आते हैं, वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स कौन कौन से हैं? कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, एम, वॉज टू, हैव, हैड टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, शेल, विल। ये सारी की सारी कौन सी है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स कहलाती है। बात आती है कि ये जो मॉडल्स है वो क्या क्या चीज़ों को सजेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट है परमिशन, ये परमिशन को सजेस्ट करते हैं। पॉसिबिलिटी, प्रॉमिस, एबिलिटी, सजेशन, एडवाइस, इंटेंशन, नेसेसिटी, कंपल्शन, विश और प्रेयर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। ये सारी की सारी जो मॉडल्स हैं वो ये सजेस्ट करती हैं सारी की सारी चीज़ें। और आगे हम बात करेंगे, जैसे जैसे हम एग्जांपल्स पढ़ते जाएंगे हमें ये क्लियर होता जाएगा कि किन किन सजेशंस में, जैसे मान लो परमिशन है, पॉसिबिलिटी है, प्रॉमिस है, तो इनमें कौन कौन सी मॉडल बेसिकली काम में आने वाली है। तो ये एग्जांपल्स के तौर पर हम देखते हैं डिफरेंट यूजेज ऑफ मॉडल्स। फर्स्ट हम बात करते हैं मे एंड माइट का यूज़ देखते हैं। दीज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मे एंड माइट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस। अब ये दो है, मे एंड माइट, ये दोनों हम लेकर चलते हैं साथ में, और ये किन किन को एक्सप्रेस करती है वो हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट है कि मे एंड माइट का यूज़ पॉसिबिलिटी में किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, इट मे, और यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं माइट का भी, तो इट मे माइट रेन। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही मे माइट गो टू दिल्ली टुमारो। थर्ड है, यू मे फॉल। फोर्थ, टीना सेड दैट शी माइट गो देयर। अब देखो, इसमें माइट जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर पास्ट टेंस आ रहा है, थोड़ी इस बात की ध्यान रखना, आगे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सेकेंड हमारे पास है परमिशन, तो परमिशन के लिए भी मे एंड माइट का यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल है, मे आई कम इन, तो इसमें परमिशन मांगी जा रही है कि क्या मैं आ सकता हूँ अंदर। सेकेंड है, यस यू मे कम इन, तो ये भी क्या है? परमिशन दी जा रही है और परमिशन ली जा रही है, तो दोनों के अंदर ही मे का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मे एंड माइट का यूज़ हम विश और प्रेयर के लिए भी करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मे यू एन्जॉय मैरिटल हैप्पीनेस। सेकंड है, मे यू लिव लॉन्ग।
तो यहाँ दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, और एक्सक्लेमेशन जो साइन है वो यहाँ पर यूज़ में आ रहा है, और साथ साथ यहाँ पर विश और प्रेयर है, सो हम यूज़ करेंगे मे का। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पज़ के लिए भी मे और माइट का हम यूज़ किया करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पर शी वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर यूज़ किया गया है मे का। सेकंड एग्जांपल में शी केम सो दैट शी माइट सी मी, अब यहाँ क्या है पास्ट टेंस आ रहा है, तो माइट का यूज़ पास्ट टेंस में बेसिकली हम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी, तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी क्या है, माइट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ मे टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर बात करते हैं इट माइट रेन, ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मे की जगह पर माइट का यूज़ होता है जब हमारे पास क्या हो, रिमोट पॉसिबिलिटी हो। अब देखते हैं कि नॉर्मली बोथ मे एंड माइट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हाउएवर माइट इज़ यूज्ड व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट। अब हमने बात की थी फोर्थ, हमें देखना है फोर्थ एग्जांपल ए में, और सेकंड एग्जांपल हमें देखना है डी में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए के लिए फोर्थ एग्जांपल, तो हमने बात की थी ए पॉसिबिलिटी में, फोर्थ एग्जांपल हमारे पास है टीना सेड दैट शी माइट गो देयर, तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। देन हमें एग्जांपल देखना है डी में सेकंड एग्जांपल, तो डी में पर्पस के लिए है सेकंड एग्जांपल शी केम सो दैट शी माइट सी मी, तो यहाँ भी पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप इसको नोट कर सकते हो कि नॉर्मली बोथ मे एंड माइट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लेकिन जब बात आती है पास्ट टेंस की तो हाउएवर माइट इज़ यूज्ड व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा, माइट का यूज़ होगा, हमने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। नेक्स्ट हम इसका यूज़ कर सकते हैं जैसे मे माइट प्लस अगर हैव आ रहा है उसके साथ, तो उसको हम किस तरह से देखते हैं, देखिए दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी डिजायरेबिलिटी रिलेटिंग टू द पास्ट एक्शन, तो इसमें आ रहा है पास्ट एक्शन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू अपन देखते हैं ही मे माइट हैव लेफ्ट यस्टरडे, तो यहाँ पर जो लेफ्ट कर रहा है ये ही मे माइट हैव लेफ्ट यस्टरडे, यस्टरडे इसका मतलब क्या है, बीता हुआ कल, तो पास्ट एक्शन की बात हो रही है और एक्शन है उसके अंदर, ये भी चीज़ आपको देखना है। सेकंड एग्जांपल है ही माइट हैव फेल्ड, थर्ड एग्जांपल है बेटर यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, तो फर्स्ट एग्जांपल में हम क्या देखते हैं कि इट इज़ पॉसिबल ही लेफ्ट, इट इज़ पॉसिबल ही फेल्ड सेकेंड एग्जाम्पल में, थर्ड एग्जाम्पल में हम देखते हैं द सीक्रेट वॉज रिवील्ड, तो ये क्या है, पास्ट एक्शन है, और ये किसको रिलेट करते हैं, पॉसिबिलिटी और डिज़ायरेबिलिटी को रिलेट करते हैं। तो मे माइट प्लस हैव का यूज़ यहाँ हो सकता है, यहाँ पर आपको यूज़ करना है मे माइट के साथ हैव का, तो इसमें पास्ट एक्शन जहाँ पर हो वहाँ पर मे माइट के साथ हैव का यूज़ करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब मे एंड माइट के लिए हमने सारी की सारी जो सजेशंस हैं वो पढ़ लिए हैं। मे माइट के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी डिज़ायरेबिलिटी पर्पस विश और प्रेयर के बारे में हमने पढ़ा। सेकंड है हमारे पास कैन एंड कुड, तो बेसिकली इसको एबल टू के रेफरेंस में देखते हैं, दे आर यूज टू एक्सप्रेस, अब ये क्या क्या चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एबिलिटी, तो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंसेस में जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर यूज़ में आता है कैन एंड कुड। सो देखते हैं शी कैन राइट इंग्लिश वेल, तो इसमें इज़ एबल टू जो है वो क्या है, कैन का यूज़ बता रहा है। सेकंड हम देखते हैं मी टू कुड प्ले एट कार्ड्स वॉज एबल टू, तो इसके अंदर वॉज एबल टू है तो इसमें कुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
फ्यूचर रेफरेंस की बात कर रहा है, फ्यूचर ऑफ कैन, तो फ्यूचर ऑफ कैन क्या होगा, विल होगा, विल बी। तो यहाँ पर थर्ड एग्जांपल में आपको देखना है कि शी विल बी एबल टू हेल्प मी। तो ये फ्यूचर रेफरेंस अगर आ रहा है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैन का यूज़ देखते हैं फ्यूचर में, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे विल बी का। अब विल बी हम विल बी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कैन जो है वो उसके लिए हम फ्यूचर में अगर बात करें तो शी विल बी एबल टू, तो यहाँ पर एबिलिटी आ रही है और कैन का यूज़ जब हम फ्यूचर में देखते हैं तो विल बी लिखा जाता है। इस बात को यहाँ पर क्लियर करते हैं। फोर्थ हम देखते हैं आई हैव बीन एबल टू डू इट, तो परफेक्ट ऑफ कैन। तो अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें कैन के लिए तो परफेक्ट ऑफ कैन क्या होगा, आई हैव बीन लगेगा वहाँ पर। तो ये भी क्या है, कैन की ही एक फॉर्म है। तो कैन एंड कुड का यूज़ जब हम एबिलिटी के लिए देखते हैं, चाहे वो प्रेजेंट के लिए हो, पास्ट के लिए हो या फिर फ्यूचर के लिए हो, तो ये चारों के चारों एग्जांपल्स अपन को अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होगी, कुड यू प्लीज़ डू इट फॉर मी। तो यहाँ पर क्या है, वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। यहाँ पर कुड का भी यूज़ कर सकते हैं एंड वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, तो यहाँ क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की जा रही है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है और ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, ओनली रिक्वेस्ट नहीं है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे कुड का, और कुड की जगह वुड का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर फॉर्म। परमिशन और ऑर्डर, अगर परमिशन लेनी हो, ऑर्डर देना हो, तो हम देखते हैं कैन का यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यस यू कैन गो नाउ, तो यहाँ क्या दी जा रही है, ये परमिशन दी जा रही है। सेकंड है यू कैन टेक माय बुक, तो इसमें भी परमिशन है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। हियर कैन इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू मे, तो यहाँ पर मे का यूज़ भी किया जा सकता है, कैन का यूज़ भी किया जा सकता है। कैन क्या है, यहाँ पर मे का ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोहिबिशन और ऑफ़र। तो अगर हम किसी को ऑफ़र दे रहे हों या फिर वहाँ पर प्रोहिबिशन आ रहा हो, तब हम यूज़ करते हैं कैन का। देखते हैं किस तरह से। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यू कैन नॉट एंटर द रूम, इसमें क्या है, मना किया जा रहा है रूम में एंटर करने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, प्रोहिबिशन है, तो कैन नॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पर मना किया जा रहा है तो नॉट आएगा इसके साथ। सेकेंड है कैन आई गेट यू सम फ्रूट्स, तो ऑफ़र दिया जा रहा है ये, कैन आई गेट यू सम फ्रूट्स। थर्ड एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कैन आई हेल्प यू, तो ये भी क्या है, ऑफ़र है। तो प्रोहिबिशन एंड ऑफ़र के लिए आपको देखना है कैन का किस तरह से यूज़ किया जाता है। प्रोहिबिशन में कैन के साथ नॉट लगाया जाता है, कैन नॉट हो जाएगा, और ऑफ़र के लिए ओनली कैन का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉसिबिलिटी। तो यहाँ हम बात करेंगे कि कैन का यूज़ कैसे हम पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं, या कुड का यूज़ किस तरह से हम पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम बेसिकली कुड का यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे, एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल लिया है हमने, हु इज़ शी विद हिम, शी कुड बी हिज वाइफ, तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबली शी इज़, तो वो उसकी वाइफ हो सकती है, तो हो सकने को पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कुड का। तो ध्यान रखना है, अगर परमिशन एंड ऑर्डर है देन कैन का यूज़ होगा, प्रोहिबिशन है तब कैन नॉट आएगा, ऑफ़र है तब कैन आएगा, अगर पॉसिबिलिटी है तो कुड का यूज़ करेंगे। सेकंड एग्जांपल हम इसका देखते हैं, हाउ ओल्ड इज़ शी, पहले तो क्वेश्चन मार्क है कि वो कितने एज की हो सकती है, कितने साल की हो सकती है। तो दूसरी जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है, शी कुड बी 16, तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबली है, पॉसिबली शी इज़, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ पर कुड का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुड प्लस हैव। तो दिस फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि मे एंड माइट प्लस हैव आया था, तो मे एंड माइट प्लस हैव का यूज़ हम पास्ट एक्शन के लिए किया जाता है, और वो रिलेट करता है किसको, पॉसिबिलिटी एंड डिज़ायरेबिलिटी को। तो यहाँ हमने बात की है कुड प्लस हैव की, तो ये क्या है, पास्ट एबिलिटी को
एक्सप्रेस करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए काम आता है. दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी बाय इंडिकेटिंग दैट द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस. तो ये एक्शन नहीं लिया गया है और पास्ट एबिलिटी को अगर इंडिकेट कर रहा है तो कुड प्लस हैव आएगा. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट बट आई डिडंट. आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, लेकिन यहाँ पर जो पास्ट एबिलिटी तो बताई गई है लेकिन ये पास्ट एक्शन हो नहीं सका. द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस. तो इसमें ब्रैकेट में समझाया हुआ है कि ये जो सीक्रेट है वो रिवील हो सकता था या मैं कर सकता था बट आई डिडंट, लेकिन मैं नहीं कर पाया. तो अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं. यू कुड हैव बोरोड मनी बट यू डिडंट. थर्ड हम बात करते हैं. द पुलिस कुड हैव अरेस्टेड हिम बट दे डिडंट. तो यहाँ पर नॉट करने वाली बात क्या है. इन ऑल दी सेंटेंसेस द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस. तो जहाँ पर भी पास्ट एबिलिटी के साथ ये इंडिकेशन आ रहा है कि पास्ट एबिलिटी तो है लेकिन वो जो एक्शन है वो नहीं लिया गया है. एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस. तो तब हम किसका यूज करते हैं. कुड प्लस हैव का यूज करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं शुड. तो शुड के लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या होंगे कि इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस. किसके लिए एक्सप्रेस होगा ये. जैसे ड्यूटी ऑब्लिगेशन आ रहा है तो हम शुड का यूज़ कैसे करेंगे. फ्यूचर इन द पास्ट में हम शुड का कैसे यूज़ करेंगे. पर्पस एंड कंडीशन के लिए कैसे हम शुड का यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट हम देखते हैं ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन के लिए. यू शुड स्टैंड बाय योर ब्रदर. तो इसके अंदर क्या है. ड्यूटी ऑब्लिगेशन. तो ये सारी चीज़ें जहाँ भी आती है वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं. सेकंड हम देखते हैं प्रोमिसेज शुड बी कैप्ट. थर्ड आई शुड लीव नाउ. फोर्थ ही शुड बी प्रेजेंट हियर. तो इन सब में ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन आता है तो इसमें हम यूज़ करेंगे शुड का. नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर इन द पास्ट. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या है. आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर. तो इसमें क्या है. फ्यूचर है लेकिन पास्ट के सेंटेंस में. आई टोल्ड हिम दैट ये पास्ट है कि क्या. आई शुड गो देयर. इसमें फ्यूचर का भी इंडिकेशन आ रहा है. तो फ्यूचर इन द पास्ट उसमें हम यूज़ करेंगे शुड का कुछ इस तरह से. सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं. डिड आई नॉट टेल यू दैट आई शुड क्वालिफाई. तो इसके अंदर भी फ्यूचर इन द पास्ट सेंटेंस बना है ये और इसमें हम यूज़ करेंगे शुड का. नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस. तो पर्पस वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल. तो यहाँ पर हम शुड का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन सेंटेंसेस में जिसमें पर्पस इंडिकेट हो रहा हो. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन की. शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. तो यहाँ पर क्या कंडीशन रखी गई है कि तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए और यू विल गेट सक्सेस और तुम सक्सेस को प्राप्त कर लोगे. तो यहाँ पर क्या है कंडीशन है कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तभी तुम क्या मिलेगी तुम्हें सक्सेस मिलेगी. तो यहाँ पर एक कंडीशन होने के कारण यहाँ पर शुड का यूज़ आता है. शुड इज़ यूज्ड इफ द सेंस ऑफ इफ़. यहाँ पर हम क्या बात करते हैं. शुड की जगह हम इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. और इफ़ की जगह शुड भी यहाँ पर कंडीशन में यूज़ आ सकता है. जैसे हमने एग्जाम्पल में ले ही लिया है शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. नेक्स्ट हम देखते हैं शुड प्लस हैव. दिस फॉर्म इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट. इट मे इम्प्लाई द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन. तो ये भी क्या है ऑब्लिगेशन है. किसके लिए. पास्ट का ऑब्लिगेशन है और इसमें क्या होगा नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन. तो एक्शन को परफॉर्म नहीं किया गया है लेकिन वो ऑब्लिगेशन है किसका. पास्ट का. तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है शुड प्लस हैव. फॉर एग्जांपल यू शुड हैव स्टूड बाय योर ब्रदर. सेकंड हम देखते हैं ही शुड हैव लेफ्ट ए मैसेज. थर्ड He should have been present at the party. Fourth, my brother should have replied politely. तो इन सब में क्या है ऑब्लिगेशन है पास्ट में और ये नॉन परफॉर्मेंस एक्शंस हैं. तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है शुड प्लस हैव का. नेक्स्ट हम बात करेंगे मस्ट. तो मस्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ आता है किस किस को एक्सप्रेस करता है. तो फर्स्ट इसके अंदर आता है नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन इन प्लेस ऑफ शुड.
तो इन प्लेस ऑफ शुड में हम यूज़ कर सकते हैं नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए किसका, मस्ट का। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, आई मस्ट लीव नाउ। सेकंड हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द स्पीकर, तो अगर स्पीकर ऑर्डर दे रहा है तब भी क्या होगा, मस्ट का यूज़ होगा। यू मस्ट नॉट लीव नाउ, दे मस्ट नॉट प्ले हियर। तो ये क्या है, इसके अंदर एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यू मस्ट नॉट लीव नाउ, दे मस्ट नॉट प्ले हियर, तो वो यहाँ पर नहीं खेलना चाहिए, वे यहाँ पर नहीं खेलने चाहिए। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक ऑर्डर एक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की, इन प्लेस ऑफ मे, तो अगर पॉसिबिलिटी कैसी हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तो मे की जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इट इज़ 10, द टीचर मस्ट बी इन द क्लास। तो 10 बजे हैं और टीचर को क्लास में ज़रूर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शी मस्ट बी वर्किंग इन द ऑफिस नाउ। नाउ, नाउ की बात हो रही है और यहाँ पर 10, इट इज़ 10। तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों में हम क्या देखते हैं, इट इज़ 10, मतलब 10 बज चुके हैं, टीचर को क्लास में होना ही चाहिए, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और ऑफिस नाउ, यहाँ पर जो नाउ वर्ड है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि इस समय उसे जो शी मस्ट बी वर्किंग इन द ऑफिस नाउ, उसे ऑफिस में वर्किंग होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन की, आई मस्ट हेल्प हिम। तो आई मस्ट हेल्प हिम, ये क्या है, यहाँ पर डिटर्मिनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन और इन्फेरेंस। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, ही हैज अ बिग हाउस, ही मस्ट बी रिच। सेकंड, शी रीड्स अ लॉट, शी मस्ट बी लर्न्ड। तो इन दोनों में ही क्या है, डिडक्शन है और इन्फेरेंस है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, मस्ट का यूज़ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मस्ट प्लस हैव, दिस फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर द पास्ट एक्शन और सिचुएशन इंडिकेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ पर जो भी हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स ली हैं, मॉडल दिए हैं, उन सब में जब भी हैव यूज़ हुआ है तो वो एक पास्ट एक्शन की बात कर रहा है और साथ साथ में क्या है, नॉन परफॉर्मिंग है। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट हैव फॉलोड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओट टू, इट एक्सप्रेसेस ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन। तो ड्यूटी एंड मॉरल ऑब्लिगेशन में हम किस तरह से ओट टू का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम नोट करते हैं कि इट इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर शुड एंड मस्ट व्हेन देयर इज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी। ड्यूटी तो है, साथ में क्या है, मॉरल ड्यूटी है, और वहाँ पर कैसा सेंस है, स्ट्रॉन्ग सेंस है। तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, एडवाइस और इंडिकेशन ऑफ करेक्ट एक्शन, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ओट टू का। For example, you ought to serve your motherland. Second, you ought not to take fatty food. Third, हम बात करेंगे, you ought to take food before leaving. तो इन सब में क्या है, एक strong sense है। वो strong sense किसका हो सकता है, moral duty का हो सकता है, advice का हो सकता है, और indication हो सकता है correct action का। तो इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है, शुड एंड मस्ट का यूज़ हो सकता था लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सेंस को इंडिकेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑट टू का यूज़ हुआ है। अब ऑट टू प्लस हैव किसके लिए यूज़ होगा, दिस कंस्ट्रक्शन इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू पास्ट एक्शन ऑफ ड्यूटी दैट वाज नॉट फुलफिल्ड और एन एक्शन दैट वाज नेग्लेक्टेड इन द पास्ट। एक पास्ट एक्शन है और वो फुलफिल नहीं हुआ है या फिर उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है, तो ought to plus have का यूज़ होगा। देखते हैं एग्जांपल, यू ought to have taken care of your wife, यू ought to have served your parents, ही ought to have been present at the wedding of his friend, ही ought not to have smoked in the bus। तो इन सब में एक पास्ट एक्शन है और ये जो पास्ट एक्शन है दैट वाज नॉट फुलफिल्ड, और ये सारे के सारे पास्ट एक्शन फुलफिल नहीं हुए हैं और नेग्लेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर ought to plus have का यूज़ होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं टू बी प्लस इन्फाइनाइटिव. तो दिस एक्सप्रेशन इज यूज टू. फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेस प्लान. अगर कोई प्लान है तो हम यहाँ पर किस तरह से इसका यूज़ कर पाएंगे. फर्स्ट देखते हैं आई एम टू मेक अ स्पीच टमोरो. तो ये क्या है, मेरा एक प्लान है. तो इसके लिए हम बात करेंगे आई एम टू. यहाँ पर टू का यूज़ होगा, टू बी प्लस इन्फाइनाइटिव. तो थर्ड सेकेंड हम बात करेंगे शी इज़ टू लीव फॉर दी स्टेट्स आफ्टर मैरिज. तो यहाँ किसका यूज़ हुआ है, इस टू का यूज़ हुआ है. फर्स्ट में किसका यूज़ हुआ था, एम टू का यूज़ हुआ था. थर्ड हम बात कर लेते हैं आई वॉज टू मेक अ स्पीच यस्टरडे, ये भी एक प्लान था. तो किसी भी प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. फोर्थ शी वॉज टू लीव फॉर द स्टेट्स फॉर हायर स्टडी. तो द लास्ट टू सेंटेंसेस डू नॉट स्टेट एक्सप्रेसली अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. तो यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, डू नॉट का यूज़ हुआ है. इसका मतलब क्या है, हमें देखना है कि लास्ट टू सेंटेंसेस में जो प्लान है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है. तो द लास्ट टू सेंटेंसेस डू नॉट स्टेट एक्सप्रेसली अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. तो ये एक्सप्रेस नहीं किया इसने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान का. नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्रेस ऑर्डर. तो ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे, इन द सेंस ऑफ मस्ट. स्टूडेंट्स आर टू वेट आउटसाइड, द सर्वेंट इज़ टू रिमेन इन द हाउस टिल वी रिटर्न. तो यहाँ पे ऑर्डर है और ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए किसी ने किसी को ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी दूसरे के सामने. तो किस तरह से उसका हम यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स आर टू वेट आउटसाइड, ये ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहे हैं. और द सर्वेंट इज़ टू रिमेन इन द हाउस टिल वी रिटर्न, ये भी हम किसी को बता रहे हैं. तो एक्सप्रेस ऑर्डर, ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं. आर टू आया है, इज टू आया है, तो इस तरह से हम मस्ट के सेंस में इसका यूज़ करेंगे. ऑब्लिगेशन ड्यूटी, आई एम टू हेल्प माई एलिंग ब्रदर, माई फ्रेंड वॉज टू सेंड मनी टू हिज सिस्टर. तो इन दोनों में ही क्या है, ऑब्लिगेशन ड्यूटी है, तो एम टू वॉज टू का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट हम बात करेंगे टू बी प्लस हैव. तो दिस एक्सप्रेशन इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कुड नॉट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान. प्लान तो था बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. तो ये क्या है, इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ही वॉज टू हैव अटेंडेंट मैरिज बट फेल इल. सेकेंड, दीपू वॉज टू हैव अपियर्ड एट द एग्जामिनेशन बट शी गेव अप द प्लान. तो यहाँ पर प्लान तो बना है लेकिन वो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, तो इसके लिए टू बी प्लस हैव का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे टू हैव प्लस इन्फाइनाइटिव. तो दिस एक्सप्रेशन इज यूज टू एक्सप्रेस कंपल्शन एज इज एक्सप्रेस्ड विद मस्ट. इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस ऑब्लिगेशन इन द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. तो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के लिए जो भी ऑब्लिगेशन होगा उसमें इसको एक्सप्रेस किया जाता है. देखते हैं आई हैव टू लीव फॉर दिल्ली टुडे. तो इसमें क्या है, ऑब्लिगेशन और कंपल्शन है. ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं आई डोंट हैव टू मीट हिम नाउ, नीड नॉट. थर्ड, आई हैव नॉट टू मीट हिम नाउ, आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. I had to leave for Delhi yesterday. I did not have to meet him there. Need not have. तो यहाँ हम किसकी बात करते हैं, टू हैव प्लस इन्फाइनाइटिव की बात करते हैं. सब में टू हैव का यूज़ हुआ है या फिर हैव का यूज़ हुआ है. तो ये एग्जाम्पल से हमको समझ में आ गया है. नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज्ड टू. वुड के सेंस में भी अपन इसको यूज़ ले सकते हैं. दे आर यूज्ड. फर्स्ट हम बात करेंगे टू डिनोट हैबिचुअल एक्शन. अगर आपकी कोई हैबिट है या फिर हैबिचुअल एक्शन है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं. और द पास्ट रूटीन ऑफ द सब्जेक्ट, और साथ साथ क्या है, ये पास्ट रूटीन को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ में आता है. जैसे ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय कार, तो ये उसका रूटीन था. सेकेंड, ही यूज्ड नॉट टू गो टू दिल्ली, ही डिड नॉट यूज टू गो टू दिल्ली.
डायना वुड स्टडी एट नून, ये इसकी हैबिट थी. तो डायना वुड स्टडी एट नून, शी वुड गो आउट विद मी इन दी मॉर्निंग. तो इन सब में क्या है, हैबिचुअल एक्शन है और पास्ट रूटीन है, तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे यूज्ड टू का. नेक्स्ट, टू डिनोट डिसकंटिन्यूड एक्शन. तो डिसकंटिन्यूड एक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू का. फर्स्ट ही यूज्ड टू प्ले हॉकी, नाउ ही हैज़ स्टॉप्ड. तो अभी वो हॉकी नहीं खेलता है लेकिन पहले खेलता था, तो ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूड एक्शन है. सेकेंड, शी यूज्ड टू वर्क इन ऑफिस बिफोर मैरिज. तो बिफोर मैरिज की बात हुई है तो अभी ये एक्शन नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक्शन डिसकंटिन्यूड एक्शन हो गया. नेक्स्ट हम बात करेंगे, यूज्ड टू इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. बी यूज्ड टू, इट इज इक्वल टू एकस्टॉम्ड टू एज. एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली. आई वॉज यूज टू ड्राइविंग थ्रू क्राउडेड स्ट्रीट्स. ही विल बी यूज्ड टू टेकिंग डिनर अर्ली. We are used to hot noons in the plains. तो इन सब में यूज होता है as an adjective used to का. Next हम बात करेंगे would की. It is used in the following cases. Following cases में किस तरह से हम इसका use कर सकते हैं, देखते हैं. First example, would you please help my son? तो इसमें क्या है, एक polite request है, तो यहाँ पर would का use कर सकते हैं. ये हमने पहले भी बात कर ली थी एक एग्जांपल में कि वुड का यूज़ कैसे हम कर सकते हैं. सेकंड, ये फ्यूचर रेफरेंस में बात करते हैं. सेकंड हम लेते हैं, शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी मनी. तो यहाँ पर क्या है, फ्यूचर इन द पास्ट, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं हम वुड का. थर्ड लेते हैं, आई वुड शुड लाइक टू प्ले नाउ. ये विश है, तो विश के लिए हम यहाँ पर शुड का भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ अगर फ्यूचर एक्शन है तो हम यहाँ पर बात कर लेंगे वुड का. नेक्स्ट हम देखते हैं, आई वुड शुड बी ग्लैड टू हेल्प यू. विश है यहाँ भी. नेक्स्ट, आई वुड रेदर स्टे, यहाँ भी विश है. हु इज शी, शी वुड बी हिज सिस्टर. तो यहाँ पर पॉसिबली शी इज पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट हम बात करेंगे, शी वुड बी 16, पॉसिबली शी इज. इफ ओनली यू वुड स्टे विद मी, तो ये क्या है, विश है. ही वुड गो टू दिल्ली बाय कार, ये क्या है, हैबिचुअल है, तो यहाँ पर हम वुड का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड एंड नीड नॉट की. तो नीड कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑक्सिलरी और एज एन ऑर्डिनरी वर्ब. एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इट इज़ यूज मेनली इन द नेगेटिव एंड द इंटरोगेटिव फॉर्म्स. तो यहाँ पर आपको ये बात देखनी है, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म्स होंगी वहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब में इसका यूज़ करेंगे. विद डायरेक्ट इन्फाइनाइटिव, डायरेक्ट इन्फाइनाइटिव के लिए हम इसका यूज़ करेंगे. इट हैज़ नो पास्ट टेंस. और साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि इसके लिए कोई भी पास्ट टेंस की ज़रूरत नहीं होगी. तो नीड नॉट में क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच इज़ नॉट नेसेसरी. फर्स्ट नीड भी देख लेंगे, इसमें नीड नॉट भी देख लेंगे. हम बात करेंगे, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ऑर्डिनरी वर्ब है, तो ही नीड्स टू वर्क हार्ड. सेकेंड हम बात करेंगे, नीड आई राइट टू हिम. ही नीड नॉट गो देयर अगेन. रोहित नीड नॉट फोन हर नाउ. यू डू नॉट नीड टू वर्क नाउ. डू यू नीड टू वर्क नाउ. तो यहाँ पर सब में क्या है, एक नेगेटिव है, और ये सब फॉर्म्स कैसी है, इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर हम नीड नॉट का यूज़ करते हैं. नीड नॉट प्लस हैव, दिस फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच वॉज नॉट नेसेसरी बट वॉज परफॉर्म्ड. तो ये नेसेसरी तो नहीं है बट ये परफॉर्म हो चुकी है, तो उसमें हम नीड नॉट प्लस हैव का यूज़ करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर. रोहित नीड नॉट हैव फोन्ड हर यस्टरडे. तो ये क्या है, परफॉर्म हो चुका है बट नेसेसरी नहीं था, तब इसमें हमने यूज़ किया नीड नॉट प्लस हैव का. नेक्स्ट बात करते हैं डेयर. तो डेयर कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑक्सिलरी और एज एन ऑर्डिनरी वर्ब.
एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इट इज़ यूज्ड मेनली इन द नेगेटिव एंड द इंटरोगेटिव फॉर्म्स विद डायरेक्ट इन्फाइनेटिव लाइक शी डेयर्ड हर सिस्टर टू टच हर. तो इसमें क्या आ रहा है, चैलेंज आ रहा है और ये क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज में आया है. नेक्स्ट हम बात करेंगे ही डज नॉट डेयर मी टू फाइट. इसमें भी क्या है, चैलेंज है. आई डेयर टू गो आउटसाइड नाउ. टू हैव करेज, ये क्या है, एक साहस वाली बात है, करेज वाली बात है. ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में इसमें यूज में आया है. ही डेयर्स टू अब्यूज हिज राइवल्स. टू हैव करेज ये भी करेज के लिए है, एंड ऑर्डिनरी वर्ब है. आई डेयर नॉट गो आउटसाइड नाउ ऑक्सिलरी वर्ब है. ही डेयर नॉट अब्यूज हिज राइवल्स. डेयर यू गो आउटसाइड नाउ. डेयर ही से सो. He dared not go outside then. Dared he say so? I dare say she will cheat you. तो ये suppose के लिए आया है. I dare say my friend will pass. It is likely. So इन सब में हम use करेंगे dare का. तो आज हमने बात की models की, जिसमें हमने dare के लिए बात की, नीड एंड नॉट की बात की, वुड की बात की, यूज्ड टू का एक्सप्रेशन देखे हमने, टू हैव प्लस इन्फाइनेटिव का एक्सप्रेशंस हमने देखे, ऑट टू प्लस हैव, ऑट टू के लिए हमने बात की, मस्ट शुड कैन एंड कुड एंड मे एंड माइट. तो इन सब मॉडल्स के बारे में हमने आज पढ़ लिया है और ये सारे के सारे मॉडल्स क्या क्या सजेस्ट करते हैं वो भी हमने देख लिया है विद एग्जाम्पल्स. इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं और हमने बात की है इन सारे मॉडल्स की. तो होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी. और अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है आपकी तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.